अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक बीम गिवन है, बीम इज बिल्ट इन एट बी, बिल्ट इन का मतलब होता है फिक्स सपोर्ट है, ओके, एंड प्रॉप एट पॉइंट ए एज सोन इन फिगर, द सपोर्ट एट बी हैज लूज फिट, करेक्ट। तो ये जो सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे फिटिंग जो है लूज है, एंड ड्यू टू दैट लूज फिटिंग द बीम एट बी हैज लूज फिट दैट अलाउ द बीम टू रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ 0.6 डिग्री। इसकी मीनिंग सिंपली है कि पॉइंट बी जो दिख रहा है यहाँ से, पॉइंट बी से बीम रोटेट कर सकता है कितना, बाय 0.6 डिग्री। सो डिटरमाइन द प्रॉप रिएक्शन, मतलब फाइंड करनी जो आर ए है वो कितना होगा, ओके। अभी ध्यान रखने की अगर ये एंड आइडियल एंड होता, फिक्स एंड होता आइडियली, तो यहाँ का स्लोप कितना होता, तो जीरो होता। इस केस में रोटेशन कितना अलाउड है, 0.6 डिग्री, ओके। तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं ये जो एंड है ये फिक्स एंड नहीं होके इसको हम हिंज इमेजिन कर सकते हैं, लाइक इस तरह ऐसा जैसे मैंने इमेजिन कर लिया, सपोर्ट को रिलीज किया उसकी जगह पर मैंने हिंज लगा दिया, करेक्ट। अब अगर हिंज लगा दिया इसका मतलब है जो लोड एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर उस लोड की वजह से बीम बेंड होगी, जब बीम बेंड होगी तो पॉइंट बी पे स्लोप मिलेगा मुझे, करेक्ट, पॉइंट बी रोटेट करेगा। बट ध्यान ये रखना है कि ये रोटेशन हो कितना अलाउड है, 0.6 डिग्री ही अलाउड है, करेक्ट। इतना रोटेट करने के बाद पॉइंट बी पे रेजिस्टेंस आ जाएगा रोटेशन का रेजिस्टेंस का मतलब सिंपली यहाँ पे क्या डेवलप होगा, मूवमेंट। आइडियली अगर ये हिंज नहीं होता, फिक्स एंड होता, तो यहाँ पे दो अननोन हम लोग बोलते, तीन बोलते थे, बट अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को नेगलेक्ट कर रहे हैं तो एक वर्टिकल रिएक्शन फोर्स होगा प्लस दूसरा रिएक्शन मोमेंट आएगा। रिएक्शन मोमेंट का पर्पस क्या होता है, रोटेशन को रेजिस्ट करना, करेक्ट। उस फिक्स सपोर्ट को हमने क्या कर दिया, हिंज बना दिया, एंड हिंज बनाने के साथ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक मोमेंट अप्लाई किया एमबी, बट साथ में ये भी ध्यान रखना है कि एमबी तब डेवलप होगा जब पॉइंट बी की जो रोटेशन है स्लोप है वो 0.6 डिग्री से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पहले ये चेक करना है कि एमबी डेवलप होगा या नहीं डेवलप होगा, बिकॉज एमबी तभी डेवलप होगा जब पॉइंट बी का जो रोटेशन होगा इस लोड की वजह से, किसकी वजह से, पी की वजह से, वो 0.6 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो चेक करते हैं जरा रैंडमली। सो इनिशियली मैंने ज़ूम कर लिया, मान लो कि ये नहीं है, केबल क्या था, लोड पी था। हम जरा चेक करना ये चाह रहे हैं कि इस लोड की वजह से पॉइंट बी मैक्सिमम कितना रोटेट कर सकता है, करेक्ट, ओके। अब ये जो इक्वेशन, ये जो डायग्राम दिख रहा है लोडिंग डायग्राम, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके सेंटर पे एक लोड अप्लाई किया है पी। तो ऐसे केस में अगर मैं थीटा बी फाइंड करूंगा तो ये होता है पी एल स्क्वायर बाय 16 EI, ठीक है। इसमें पी गिवन है 150, सो 150 इंटू 10^3, देन लेंथ गिवन है 4 मीटर, सो इट इज 4000 स्क्वायर डिवाइड बाय 16। ई गिवन है 70 × 10^3, गीगा पास्कल था तो इसको लिख दिया न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के टर्म में, करेक्ट। एंड आई गिवन है 130 × 10^6। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू मिल जाता है, दिस इज 3/182 रेडियन। एंड इसी को जब डिग्री में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू मिलता है 0.944 डिग्री, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है 0.944 डिग्री, ये 0.6 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब आइडियली जो पॉइंट बी था, जो बी एंड था, राइट एंड था, वो क्या ट्राई कर रहा था, कितना रोटेट कर जाए, 0.944 डिग्री। एक्चुअल रोटेशन कितनी अलाउड है, 0.6 डिग्री। इसका मतलब है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और अगर रेजिस्टेंस है तो ये बीम जो है यहाँ पे एक मूवमेंट डेवलप करेगा, करेक्ट, सपोर्ट एक मूवमेंट डेवलप करेगा। नाउ ये जो बीम दिख रही है, इस बीम की अगर बेंडिंग की बात करेंगे हम लोग तो कुछ ऐसे बेंड होगी, करेक्ट। सो इनडायरेक्टली यहाँ जो रोटेशन है पॉइंट बी पे ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस आएगा, रिएक्शन मोमेंट जो आएगा, उसकी सेंस कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, एमबी, ठीक है। नाउ अगर ये एमबी जीरो होता तो ये बीम क्या होता, डिटर्मिनेट होता, बट इस एमबी की वजह से क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट। तो फिर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन, ओके। तो मैं इक्वेशन अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ से थीटा बी की वैल्यू गिवन है कितनी, 0.6 डिग्री, इसको रेडियन के टर्म में लिखा, इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ये थीटा बी गिवन है एक्चुअल में। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना है, ठीक है। ये जो मेंबर दिख रहा है इस बॉडी पे, दो चीज़ें हैं, एक तो लोड है पी, एक्सटर्नल लोड, उस लोड पी की वजह से जो थीटा बी होगा, थीटा बी वो कितना होगा, तो ये मिल जाएगा पी एल स्क्वायर बाय 16 ही है, जो अभी लिखा था हमने, करेक्ट। नेक्स्ट जो एमबी दिख रहा है, एमबी उसका सेंस रिवर्स है, ध्यान रखना, पी की वजह से जो सेंस ऑफ रोटेशन था ये तो एंटी क्लॉकवाइज था, बट एमबी की वजह से क्लॉकवाइज, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस। नेक्स्ट, जब ये सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर केवल हम एमबी को कंसिडर करेंगे, तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड पे मोमेंट होता है तो उस मोमेंट की वजह से जो स्लोप मिलेगा मुझे, स्लोप दैट इज नथिंग बट ML बाई 3 EI, ठीक है। ये डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में, करेक्ट। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग एमबी इंटू एल, ML बाय 3 EI, दिस इज इक्वल टू 0.6 इंटू पाई बाय
180, ठीक है। ये वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं 0.944। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप फाइनली, तो यहाँ से एम बी मुझे मिलता है फाइनली, दिस एम बी विल गेट एज 41.03 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। नो एक बार ये मिल गया तो अल्टीमेटली क्या चाहिए था मुझे, प्रॉप रिएक्शन चाहिए था मुझे, आर ए चाहिए था, ये आर ए है, ठीक है। हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इक्वेशन लिख देंगे किस चीज़ का, तो मोमेंट बैलेंस का। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें अगर इक्वेशन लिखा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर लो, आर बी की सेंस है क्लॉक वाइज, इसको प्लस लिख रहा हूँ मैं, सो फोर टाइम्स आर बी लिख सकते हैं, लेंथ 4 मीटर गिवन है, करेक्ट। एंड जो हमारा पी है, पी उसकी वजह से सेंस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉक वाइज, इसको क्या लिखेंगे, माइनस 2 टाइम्स पी, करेक्ट। एंड एक एम बी था, इसकी सेंस कैसी है, अगेन क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज को हम लोगों ने प्लस लिया है, इसको लिखेंगे प्लस एम बी इज इक्वल टू कितना, जीरो। इसमें एम बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ से फाइंड करनी है आर बी, दिस इज नॉट आर बी, दिस इज आर ए एक्चुअली, ओके, सो दैट इज आर ए, दिस इज आर ए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे फाइनली यहाँ से, तो यहाँ से आर ए मिल जाता है 64.741 किलो न्यूटन, तो ये प्रॉपर रिएक्शन हो गया।